जी तो ये देख सकते हैं, ये हमारे रेस्टोरेंट का नाइट व्यू। ये सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं पार्किंग में, ये देखें सारी गाड़ियां आई हैं। काफी रश था आज रेस्टोरेंट पे और बहुत काम था, यकीन जाने बहुत। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। जी उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल खैरी और अफिया से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं न्यू। आज आपको दिखाते हैं कि आज मैं अपना रेस्टोरेंट पे काम, जिस रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ वो आपको दिखाएंगे कि क्या काम कर, सारा अपना रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंशाल्लाह थाईलैंड का किचन आगे ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप जुड़िए रहिए सब हमारे व्लॉग के साथ और इंशाल्लाह आपको दिखाते। तो थोड़ी ही घर से थोड़ी ही दूरी है जो है ना मेरा रेस्टोरेंट है, तो मुझे सिर्फ 3-4 मिनट लगते हैं मैं अपने रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं मैं अपने रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता हूँ। तो बिल्कुल घर के करीब है, जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा दूर हो और फिर उसका मसला होता है कभी बस पे बैग कभी चेंज करा दे पीछे काफ़ी ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है घर के करीब मौसम बना हुआ है, इतना ज़बरदस्त मौसम है कि कमाल का। और ये जो बाज़ार है हमारे रेस्टोरेंट का, ठीक है, इससे हमारा रेस्टोरेंट देख रहे हैं ये रेड कलर का, ठीक है, ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर होते हैं। ये किचन का डोर है और ये जो अनदर डोर है ये है जो कस्टमर जहाँ से जो है ना अंदर जाते हैं, कस्टमर अंदर दाखिल होते हैं। ठीक है, ये बाहर से लुक देखें हमारे रेस्टोरेंट की, काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। तो क्रिसमस के जब क्रिसमस की लाइटिंग लगी हुई थी बहुत खूबसूरत लगता था। तो ये देखें ये बाहर से लुक है, तो रात को भी नाइट व्यू भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि नाइट ड्यूटी होती है मेरी, बहुत खूबसूरत है ये देखें। तो सारा ज़बरदस्त बना हुआ है, अंदर भी बहुत अच्छी और प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है। जी जनाब ये है हमारा किचन, ये आप हमारा किचन देख रहे हैं, ये सारा सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें नीट एंड क्लीन ऐसे किचन होना चाहिए। ठीक है, तो ये किचन है हमारा सारा। तो जो है ना 4 बजे हम जो है ना आ जाते हैं, 4 बजे आ जाते हैं और 4 बजे हम रेस्टोरेंट पे इसलिए आते हैं क्योंकि 8 बजे 8 o'clock नाइट जो है ना रेस्टोरेंट ओपन होता है। ठीक है, तो हम 4 बजे आते हैं, कुछ सामान वगैरह बनाना होता है, कुछ चीज़ें बनानी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जो है ना उसका हर चीज़ रेडी करनी होती है, फिर 8 बजे ओपन हो जाता है रेस्टोरेंट। ये सीन ठीक है बाहर का, ये सारा हमारा किचन है देख लें, ये सारी ये प्लेटें पड़ी हुई हैं। ठीक, हाँ कस्टमर बैठते हैं तो ये देखें, अब ये हमारा बाहर का माहौल, यहाँ सब कस्टमर बैठते हैं। ठीक है, वो है बाहर है, बहुत ज़बरदस्त है, इसमें हर किस्म की शराब जो है ना मिलती है, वोडका विस्की जो भी शराब है ना इंटरनेशनल, टोटल A to Z जो है ना ये शराब यहाँ से मैसर होती है। ठीक है, हर चीज़ मिल जाती है, ये देखें कितनी खूबसूरत हमारे ओनर ने रेस्टोरेंट, ठीक है, ये देखें कितनी खूबसूरती है, बहुत ज़बरदस्त बहुत प्यारा बनाया हुआ है सारा रेस्टोरेंट। ठीक है, सारे कस्टमर जो है ना यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। ठीक हो गया, और जो अभी तो विंटर चल रहा है ना, तो विंटर में जो सारा नीचे होता है, तो जो समर है, जब समर आता है तो समर पे जो छत पे चला जाता है, छत पे चला जाता है तो वहाँ भी बहुत प्यारा माहौल होता है, गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है, ऊपर जो बहुत अच्छा होता है ना, ठंडी हवा चलती है, गर्मियों में रात का नाइट का व्यू होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अभी तो विंटर चल रहा है, तो विंटर में सारा काम नीचे होता है, सब कुछ नीचे होता है, तो उसके बाद जब समर आता था तो ऊपर चला जाता है रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है, ये सब देख रहे हैं। बहुत खाई होगी या नहीं खाई होगी, ये बतख का गोश्त है, बॉयल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये डालना पड़ता है क्योंकि इसका टेस्ट भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक हो गया, तो इसका टेस्ट इसलिए अच्छा आता है, अदरवाइज हम इसके अंदर इसको डिप ना करें, इसको उबालें ना, तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर अब हमने डिप कर दिया, ये बतख का गोश्त है, बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ा आता खाने का। तो ये आई थिंक 1 आवर इसको जो है ना लगेगा और ये रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर आपको इसकी कटिंग भी दिखाएंगे कि कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, ये जी ये अब जो है 1 आवर बिफोर हमने जो रखी थी ये तो हो गई है रेडी, ये अब हम निकालने लगे, तैयार हो गई। ठीक है, ये रेडी हो
आ गया, हम उसको कटिंग करेंगे। देख सकते हैं ये हमारे रेस्टोरेंट का नाइट व्यू, ये सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं पार्किंग में, ये देखें सारी गाड़ियां आई हुई हैं। काफ़ी रश था आज रेस्टोरेंट पे और बहुत काम था, यकीन जाने बहुत ज़्यादा काम था। ये नाइट व्यू है, ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट का कितना बाहर से खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग हुई हुई है, ये नाइट व्यू है, ठीक है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये देख सकते हैं आप, ये बाहर का सारा हिस्सा रेस्टोरेंट का, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको आगे भी मज़ीद दिखाएंगे जी। तो यहाँ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और मज़ीद आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इस पे मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो इस पे आएंगी। और ये देखें हमारा नाइट व्यू और कितना खूबसूरत, पीछे से इतनी ठंडी हवा और बारिश होने लगी है, मौसम देखें
बारिश होने लगी है, ठंडी हवा चलने लगी है, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़बरदस्त मौसम बन जाना है, और देखें इसलिए आज कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा थे और बारिश होने शुरू हो गई है। इतना ज़बरदस्त मौसम बन गया ना, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। देखें कितना ज़बरदस्त मौसम, बारिश और ठंडी हवा चल रही है, माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत चेक करें।